हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी अपडेट लेकर के आया हूँ। जैसा आपने 2021 नवंबर में जो है ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, तो अभी जो है आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो है स्पोर्ट्स ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए रहेगा। तो एडमिट कार्ड जो है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, आपने पूरा वीडियो जो है एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स रहेंगे अब तक जल्द से पहुँचेंगे। ठीक है, और देखिए अभी यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स न्यू दिल्ली, इनके तहत में जो है अंडर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट आया था और ये ऑफलाइन फॉर्म था। अब यहाँ पर देखो नेम ऑफ पोस्ट इसमें थी टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हवलदार और MTS। ठीक है, इसके इसमें ये स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट हो रहा था और इसमें गेम्स थे, कुछ 5 या 6 गेम्स थे। अब यहाँ वैकेंसी पोजीशन देखिए, टैक्स असिस्टेंट में जो है 10 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर में 1 है, हवलदार में 10 है, MTS में जो है 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन तो काफ़ी अच्छी थी। और अभी इसमें गेम देखेंगे कि कितने गेम्स में कितने, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्रिकेट में 6 वैकेंसी थी मेल के लिए, हॉकी में 6 वैकेंसी थी मेल के लिए, यहाँ पोजीशन दी गई है। फुटबॉल में 6 वैकेंसी थी मेल के लिए। अभी एथलेटिक्स में 2 वैकेंसी है, एक मेल और एक फीमेल, इवेंट दिया है 200 मीटर की। ठीक, अब स्विमिंग में देखिए 2 वैकेंसी, एक मेल और फीमेल, और बैडमिंटन में 2 वैकेंसी थी, एक मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी और इन 6 गेम्स में ये वैकेंसी निकली थी। ठीक है, आपने ऑफलाइन फॉर्म किया था अप्लाई, तो देखिए ये एडमिट कार्ड है। ठीक है, अब ये इस तरह एडमिट कार्ड आएगा। अब यहाँ पे डेट देखिए, 8 जून को जो है ये एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, ये बाय मेल आया है। ठीक है, बाय मेल, और ये आपको स्पीड के द्वारा भी मिल जाएगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, आपका मेल चेक करना, आपको मेल पर भी मिलेगा। जिन लोगों को, याद रखिए ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही मेल आएगा, ठीक है ना, सभी को नहीं आएगा। जिन लोगों का फॉर्म अच्छे से एक्सेप्ट हुआ है और इन्होंने शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही जो है ट्रायल के लिए बुलाया गया है, तो अब ये जो एडमिट कार्ड है ये क्रिकेट गेम का है। ठीक है, डिसिप्लिन देखिए, हाँ सब्जेक्ट, ठीक है, फील्ड ट्रायल इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ऑफ क्रिकेट अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक, तो ये अभी इसमें क्या करना है आपको, ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, बाय पोस्ट भी आएगा और अभी तो मेल पे आया है, फिलहाल तो मेल पे ही आया है, मेल पे जो है एडमिट कार्ड मिला है और ये क्रिकेट का है। और ये क्रिकेट की जो डेट है इसमें, यहाँ पर देखिए 4 जुलाई मंडे को है सुबह में 8 बजे। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये ट्रायल हो रहा है, यहाँ पर एड्रेस लिखा है नेशनल स्टेडियम पटियाला हाउस। ठीक है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या ले जाना है, ओरिजिनल कॉल लेटर, ठीक है, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, साथ में 10th की मार्कशीट भी, और सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल में, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है, देखो अलोंग विथ ओरिजिनल फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 ड्यूल अटेस्टेड बाय रिलेटेड अथॉरिटी। यानी कि मैं जो आप इसका जब रिक्रूटमेंट निकला था तब मैंने आपको साफ सीधा बोला था कि फॉर्म नंबर 1, 2, 3 ये आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। ठीक है ना, और ओरिजिनल में। अब उसके साथ में देखिए आपको एक पासपोर्ट आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। ठीक, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो SC ST OBC तो वो लेकर जाना है। अगर ओपन से हो, जनरल से आते तो नहीं लेकर गए तो भी चलेगा, दो साथ में पासपोर्ट फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाना है साथ में, और जो भी आपका प्लेइंग किट है वो आपने साथ में लेकर जाना है, और वहाँ पर रहना खाना ये सब कुछ जो है आपको खुद करना है, ये वो अरेंज नहीं करेंगे वहाँ पे, नो TADA, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ जो है आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये 2 पेज में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपने ये देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो लिख कर के आया है ट्रायल्स में भी एक्सटेंड फॉर 2 डेज। ठीक है, जैसे 5 और 6 जुलाई को भी हो सकता है, तो अभी डिपेंड करता है कि कितने प्लेयर वहाँ पे अटेंड करते हैं ट्रायल को, जितने लोगों को कॉल लेटर भेजा है तो वो लोग आते नहीं आते, उनके ऊपर डिपेंड करता है ना।
अब कम प्लेयर्स आएंगे तो जल्दी ट्रायल हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होता है, अगर ज़्यादा प्लेयर आ गए तो समय ज़्यादा लगता है। तो डिपेंड तो वो प्लेयर के ऊपर ही करता है कि कितने लोग वहाँ पे आकर के ट्रायल अटेंड करेंगे, है ना। तो अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि कितने प्लेयर्स को जो है कॉल लेटर मेल पे मिला है और कितने लोगों को जो है बाई स्पीड पोस्ट आया है। तो आप जो है आपका गेम लिख करके बताना और आपको कौन सी डेट मिली, क्योंकि देखो अभी तो मेरे पास तो एक ही एडमिट कार्ड आया है क्रिकेट का है, ठीक है ना। क्रिकेट की जो डेट इसमें दी गई है यहाँ पर 4 जुलाई दी गई है, ठीक है ना। ट्रायल जो है इनका 4 जुलाई को है, ठीक। तो आप जो है मुझे फुटबॉल का बताना, फुटबॉल हो गया, बाकी उसमें स्विमिंग है ना, हॉकी है, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बैडमिंटन, और क्रिकेट का तो पता चल गया 4 तारीख को। बाकी गेम्स का मुझे पता नहीं चला है, जैसे भी पता चलेगा तो मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो बाकी कबड्डी प्लेयर्स जो अपने ग्रुप्स में नए ज्वाइन हुए हैं, आपने जो है थोड़ा होल्ड करना है, आपकी भी कबड्डी की वैकेंसी ज़रूर आएंगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर गेम की वैकेंसी की अपडेट अपने ग्रुप में आती है, सारे गेम्स की, कभी कभार ऑल गेम्स में आ जाती है तो ऑल गेम्स की भी बताते हैं, या नॉर्मल वैकेंसी में स्पोर्ट्स कोटा आता है तो वो भी बताते हैं। तो आपने ग्रुप में जुड़े रहना है, लेफ्ट नहीं होना है, क्योंकि एक बार आप लेफ्ट हो जाओगे तो मैं बाद में नहीं जुड़ता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।